जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। वर्ष 2020 का ये विदाई वीडियो आपको अर्पित है और बहुत सारी बातें करनी है, वो बाद में करेंगे। वर्ष 2021 जो नववर्ष पूरी दुनिया मना रही है उसकी बहुत बहुत हृदय से मेरी शुभकामनाएं। भगवान हर प्रकार से आप सभी लोगों को समृद्ध करें और उससे ज्यादा स्वस्थ रखें और उससे ज्यादा अपनी भक्ति प्रदान करें। हालांकि मैं इस नववर्ष को कई वर्षों से नहीं मना रहा हूं उस रूप में, पहले भी सामान्य रूप से ही मनाता था। जैसा कि अपने भारत में कोई भी चीज होती है, नववर्ष प्रारंभ होता है, अपने भगवान जी को प्रणाम किया जाता है, माता पिता बड़े जो भी उनको प्रणाम करना और 5-10 जो हमारे अग्रज हैं उनसे आशीर्वाद लेना अगले दिन प्रातः, ऐसा नहीं कि रात्रि 12 बजे उनको परेशान किया जाए, क्योंकि पूरा वातावरण ऐसा है। पर हमें थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा और अपने परिवार से अपने आप से हमें बदलना पड़ेगा और इसकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो पूरा एक ऑर्गेनाइजर है, अलग अलग तरीका से लोगों को कमाने का एक तरीका बन गया है। दूसरी बात, स्पेशली जो हमारे यंग जनरेशन, उनको बर्बाद करने का हमारे बच्चों को बच्चियों को एक बहुत अच्छा एक बहाना बनता जा रहा है। इस सबसे थोड़ा बचना होगा, इसको हमें समझना होगा। वो तभी हो सकता है जब हम इसके वास्तविक रूप में जाएंगे। और वास्तविकता क्या है? नववर्ष मतलब जब हर्ष ही हर्ष हो, जैसे कि वसंत का आगमन होने के पश्चात अपने भारतवर्ष में नववर्ष मनाया जाता है। सोचिए क्या होता है, प्रातः उठते हैं, घरों को सजाते हैं, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में और अलग अलग जगह में अलग अलग रूपों से देखा जाता है। उस दिन अपने राशिफल लिया जाता है। और दूसरे की मैं क्या बात करूं, हमारे तो जितने भी ज्योतिषी लोग हैं, जय जय सियाराम, वो भी नववर्ष की भविष्यवाणियां आप देखिए हजारों भरा पड़ा हुआ है। जो कुछ उस तरह के कैलेंडर हैं, पंचांग हैं, जो प्रमाणित नहीं है पूर्ण रूप से, जिसके शास्त्रीय परंपरा को मानने वाले जिसको नहीं मानते हैं, वो सब लोग भी जो है आपको नववर्ष का वर्ष फल हर जगह आपको मिलेगा। अरे भैया, जिस आधार से आप बना रहे हो कि ये आपके राशि का फल है, वो आधार का जो मूल स्रोत है वो प्रारंभ कब होता है? गुड़ी पाड़वा से, नववर्ष से, मतलब चैत्र नवरात्रि से, राम जन्मोत्सव से। तो उसको आप कैसे, जिस जो मूल है वो प्रारंभ वहां से होता है, तो उसको आप काट पीट करके यहां से जोड़ रहे हैं। अपने को, स्वयं को, लोगों को, सबको जो है अपनी सनातन संस्कृति से आप बड़गला रहे हैं। हर आदमी कहेगा नववर्ष का राशिफल, नववर्ष का राशिफल, पर वो जब वो स्वयं जहां से जिस पंचांग के आधार पर, जिस गणित के आधार पर, जिस शास्त्र के आधार पर वो बता रहे हैं, वो शास्त्र उस चीज को नहीं मान रहा है, तो हम दूसरे की बात क्या करें। पर ठीक है, आजकल तो लोग एक एक घंटे की भविष्यवाणी करना शुरू किए हैं, ये शेयर मार्केट वालों के लिए और लोगों के लिए, तो बिजनेस है, वो भी बिजनेस बना के रखे हैं। तो इसलिए थोड़ा मैं भी बहुत सीधा बोलने से बचता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने हवन सामग्री के बारे में जब से मैं विशेष रूप से बोलना प्रारंभ किया, कई बार यज्ञों के बीच में बोलना प्रारंभ किया, हमारे जो सहयोगी आचार्यगण हैं अथवा कई बड़े हैं हमारे समकक्ष हैं, उनके साथ गया और उनसे मैंने निवेदन किया, तो उन लोगों को भी ये बातें अच्छी नहीं लगी, तो कुछ वो लोग भी तो हमको बुलाने बंद कर दिए। जय जय सियाराम। कोई बात नहीं, परमात्मा देखता है, लेकिन हमें न्याय से अलग नहीं हटना चाहिए। जो उचित है उसी का हमें साथ देना चाहिए और लोगों को सलाह देना चाहिए। जैसे हवन सामग्री है वो सब जय जय सियाराम जो पैकेट वाला आता है उससे कुछ भी मिलना नहीं है। उसी प्रकार से ये जो नववर्ष है, आप सोचिए इसमें कितना नशे की चीजें, कितनों ट्रक जो है उसकी मैं गिनती नहीं कर सकता, क्या क्या चीजें होंगी। कई लोगों को समझ में आता है, कोई जो है गटर में पड़ा हुआ सुबह मिला है, कोई लिफ्ट में ही रह गया है, कोई कहीं रह गया है, कोई कहीं रह गया है, और कितने लोगों का जीवन, स्पेशली जो इसके बहाना ढूंढते हैं बच्चे बच्चियों को परेशान करने का और अपनी जो उनकी राक्षसी प्रवृत्ति है जो आम रूप से पूर्ण नहीं कर पाता, एक बहाना बन जाता है। तो इन सब चीजों से हम तभी बच सकते हैं जब हम उन परंपराओं को धीरे धीरे समझना सीखें। ठीक है, पूरी दुनिया मना रही है, जिसकी वो परंपरा है, जहां की परंपरा है वो लोग मनाए। जैसे कि मछली जल के बाहर आएगी तो जय जय सियाराम हो जाएगी, और जल के अंदर रहेगी तो वो आनंदित रहेगी। दूसरे जीव हैं, अगर वो जल के अंदर गए, हम ही लोग गए, तो जय जय सियाराम। तो इसलिए जो है जिनके लिए परंपरा है उनके लिए ठीक है, हम लोगों के लिए उचित नहीं है, हम लोगों को नहीं मनाना चाहिए। शास्त्रों में आया है कि लज्जाहीन जो घर की स्त्रियां हैं, कुल स्त्रियां हैं, अगर वो लज्जाहीन हो जाएंगी, जो कुछ मात्रा में प्रारंभ हो चुका है उसका प्रतिफल भी देखने को मिलता है, मर्डर और तमाम प्रकार की रोज जो है डाइवर्स के केसेस और ये सब 50 चीजें बढ़ रही हैं,
और जो गणिका, जो नाचने वाली है, गाने वाली है, काम करने वाली है, अगर वो लोग लज्जा करने लगेंगे तो उनका जो है जीविका चला जाएगा। तो इसलिए ये चीज जो है वो निर्लज लोगों के लिए अथवा जो उस परंपरा को मानने वाले उनके लिए है। हम जो भारतीय हैं, सनातनी हैं, कहीं भी रहते हो कहीं पर हैं, हम लोग ठीक है उत्सव है, खुशियां हैं, उस रूप में मना लें, लेकिन ये सब 50 चीजों का वो करना, बाहर जाना, पार्टियां मनाना, ये सब करना, सेलिब्रेट करना, बधाइयां देना, और हर प्रकार से जो पगला जाते हैं, और जब अपना समय आता है तो भूल जाते हैं। जब वास्तविकता में नव वर्ष का प्रारंभ होता है, नव प्रकृति, नव पल्लव, नव पत्तियां, नव वातावरण पूरा जो है आनंदमय हो जाता है, और प्रातः स्नान करके, पूजा पाठ इत्यादि करके, टीका लगा के, श्रृंगार करके, घरों को सजा के, माँ की जो है कलश की स्थापना की जाती है, वो लगता है कि हाँ नव वर्ष प्रारंभ हुआ, कुछ अलग हुआ। तो इसलिए थोड़ा समझना है, और फिर भी दुनिया मान रही है तो अच्छाइयां खुशियां कहीं से भी मिले, वो जो हमारी अच्छाइयां उसको हमको लेना चाहिए, और जो बुराइयां उसका त्याग करना चाहिए। तो ऐसे आप लोगों का साथ बना रहे, और जो दुनिया नववर्ष जिसको बोल रही है उसकी शुभकामनाएं हमारे हृदय तो सदैव है। आप सब लोग परिवार के सदस्य हैं, आप लोग हैं तो जय जय श्री राम परिवार है, मिलते रहेंगे, और आपको बड़ी खुशी होगी कल जो दुनिया जिसको नववर्ष मान रही है उसके ऊपर एक वीडियो मैं अर्पित करने का प्रयत्न करूंगा, और ऐसे मिलते रहेंगे। जय सियाराम, बहुत बहुत शुभकामनाएं।